हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिकी अफ्रीडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को टेरिटोरियल आर्मी की थर्ड जोन की रैली के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले ये बताने वाला हूं दोस्तों, ये जो नोटिस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं दोस्तों, ये नोटिस टेरिटोरियल आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं ये नोटिस यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो देखा और बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहा है दोस्तों। उसने जो यूट्यूब में दोस्तों ये नोटिस को लेके जिस किसी ने भाई ने भी नोटिस वीडियो बनाया है, वो लोग दावा कर रहा है कि ये रैली 100% होगा। उन लोगों ने बताया है कि वो इस कैंप में जाके उन लोगों ने पता लगाया कि ये रैली होगा, लेकिन दोस्तों मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों ये रैली की जो नोटिस है वो अभी तक कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। कोई भी नोटिस नहीं है रैली के बारे में, अभी तक कोई भी नोटिस नहीं है, लेकिन दोस्तों ये नोटिस आ चुका है। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा ये नोटिस को आप लोगों के सामने थोड़ा एक्सप्लेन करो, आप लोगों को बताऊं इसके बारे में। दोस्तों, ये रैली होगा कि नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन होने का चांसेस अभी उन लोगों का वीडियो देखने के बाद 50% होने का चांसेस है, लेकिन दोस्तों ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है, इसी की वजह से 50% चांसेस नहीं होने की ये रैली। ठीक है दोस्तों, फिर भी इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर होता है तो इसी शेड्यूल के मुताबिक होगा, अगर होता है, अगर नहीं होता है तो नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो बनाने की एक ही मकसद है दोस्तों, ये जो नोटिस है मैं आप लोगों को ये नोटिस देने वाला हूँ। इस नोटिस का दोस्तों लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको डाउनलोड करके आप लोग भी रख लेना। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ आप लोगों को थर्ड जोन की कैंडिडेट जा सकते हैं दोस्तों, थर्ड जोन की कैंडिडेट इस रैली में जा सकते हैं सिर्फ। ठीक है दोस्तों, थर्ड जोन में कौन कौन सी स्टेट आता है मैं ये दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए थर्ड जोन में कौन कौन आता है, ये है दोस्तों थर्ड जोन। थर्ड जोन में आता है दोस्तों असम, ऑल डिस्ट्रिक्ट असम का सभी डिस्ट्रिक्ट, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइसलैंड। दोस्तों इसमें जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, असम मान लीजिए असम, असम का 33 डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ना सभी डिस्ट्रिक्ट इस रैली में जा सकते हैं जब भी होगा। मेघालय का सभी डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर का सभी डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए इस तरह से दोस्तों थर्ड जोन का अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें ये इसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना सभी जा सकते हैं, जिस डेट पे जिस स्टेट का है वो आप जा सकते हो। ठीक है तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सी स्टेट का कब है। दोस्तों इसमें जो बताया जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये टेरिटोरियल आर्मी का है। दोस्तों ये जो रैली होने का उस लोगों ने इधर जो नोटिस में दिखाया जा रहा है दोस्तों, ये होगा दोस्तों जलापहाड़ ग्राउंड में होगा दोस्तों, जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है जलापहाड़। दोस्तों जो भी कैंडिडेट उधर से बिलोंग करता है प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिए, और अपना जो कैंप है कैंप की बाहर बोर्ड में लगाया हुआ होगा नोटिस, अगर ये लगाया है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। ठीक है दोस्तों, ये जो रैली होगा दोस्तों 14 अक्टूबर, दोस्तों 14 अक्टूबर में सिर्फ असम स्टेट का है। ठीक है, असम का सभी डिस्ट्रिक्ट का जा सकते हैं 14 अक्टूबर में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 15 अक्टूबर में दोस्तों वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम स्टेट, ठीक है, दो स्टेट का है। लेकिन दोस्तों जो 16 अक्टूबर दिखाया जा रहा है जनरल ड्यूटी का, ठीक है, ये सभी जनरल ड्यूटी, ठीक है, 16 अक्टूबर जनरल ड्यूटी का अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड, ये सभी स्टेट 16 अक्टूबर को जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो ट्रेडमैन होता है, ट्रेडमैन का 17 अक्टूबर में होगा ट्रेडमैन का। ठीक है, ट्रेडमैन का ऑल स्टेट यानी कि दोस्तों इंडिया में जितना, सॉरी, थर्ड जोन में जितना भी स्टेट है ना सभी स्टेट ये 17 अक्टूबर को जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये 18 और 19 अक्टूबर का ऑल कैटेगरी, ठीक है, ऑल कैटेगरी जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों जो जैसे कि रेजिमेंट में अलग अलग रेजिमेंट में डिवाइड करके रखा, गुरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, जैसे ये गढ़वाल हो गया, ये गुरखा हो गया, इसी तरह से दोस्तों जो भी रेजिमेंट है सभी रेजिमेंट का एक साथ होगा। इधर नोटिस में दिखाया जा रहा है दोस्तों किस रेजिमेंट का कितना वैकेंसी खाली है, इधर मेंशन करके रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो टोटल 91 वैकेंसी खाली है इधर जो बताया जा रहा है दोस्तों। इसमें दोस्तों आप अगर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो जनरल ड्यूटी में दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन जो क्लास 10 में आप लोगों को 45% सही है, और सभी सब्जेक्टों में 33% आपका होने ही सही है, तभी आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप क्लर्क के लिए जाना चाहते हो, क्लर्क का 12th में आपको 50% होना पड़ेगा और सभी सब्जेक्टों में 50 मार्क होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप ट्रेडमैन में जाना चाहते हो तो सिंपली सा 10 पास सही है, फिर भी सिंपल सा 10 पास सही है,
अगर आप ट्रीटमेंट में जाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों हाइट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें हाइट आप लोगों को देकर रखा हुआ है दोस्तों 152 आप लोगों को हाइट होना सही है, जो गुरखा गुरखा का होता है या आसामीज एंड गरवाल्स का होता है ना उन लोगों के लिए। और दोस्तों मिनिमम वेट दोस्तों 50 kg सही है। सेस्ट 77 नॉर्मल सेस्ट तो 5 इंच आपको फैलाना होगा। एज लिमिट दोस्तों आप लोग को 18 साल से लेके दोस्तों 42 साल तक आप जा सकते हो, 18 साल से 42 साल तक आप जा सकते हो, ठीक है। दोस्तों आपको रनिंग होगा 1.5 किलोमीटर का रनिंग होगा, यानी कि सॉरी 1.6 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों 1600 किलोमीटर का आपका रनिंग होता है, ठीक है। 1600 किलोमीटर का रनिंग होता है, सॉरी 1600 मीटर का। उसके बाद दोस्तों 9 फीट का लॉन्ग जंप भी देना होता है, 8 पुलअप्स भी लगाना होता है, 9 मीटर का आप लोग को बैलेंस में चढ़ना भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को जो एक्स सर्विसमैन वाले की बेटे जो होता है उन लोगों के रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे हाइट में 2 इंच का, सेस में 1 इंच का, वेट में 2 kg का मिलता है। और दोस्तों जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उन लोगों के लिए मिलता है, जैसे हाइट में 3 इंच का, सेस में 3 इंच का और वेट में 3 kg का मिलता है दोस्तों जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है। दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को साथ ले जाना है जब रैली में आप जा रहे हो, इधर आप लोगों को मेंशन करके रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों इसमें आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बताया जा रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट विद द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो 10 का, दो क्लास का जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है क्लास 10 का, उसके बाद डोमिसियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पुलिस वेरिफिकेशन, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद दोस्तों 10+2 का या 10 का मार्कशीट, यानी कि जितना भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह है ना, PRC डोमिसियल वो तो ज़रूरी है, असम का भी है, तब भी आप असम का अगर है तो आपका एजुकेशन PRC निकाल लीजिए, तब आप जाइए असम का, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देगा 100%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इधर और कोई भी नहीं है दोस्तों, इस रैली के बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों। ये नोटिस का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये रैली होने का चांसेस इतना नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे अभी तक इसका कोई अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं और अदर स्टेट का जो भी नोटिस अभी आया है ना, जो यूट्यूब वगैरह बना रहा है, तो वही नोटिस मैं आप लोगों को भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।